देवास शहर में कृषि उपज मंडी में 6 दिन के दीपावली अवकाश के बाद में आज बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे हैं। सबसे पहले मंदिर में मां अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना की गई है और व्यापारियों ने आतिशबाजियां भी की गई है, जिसके बाद में कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने नीलामी शुरू की है। ग्राम मेड़ के ढाकड़ के किसान बबलू ढाकड़ जो बैलगाड़ी से सोयाबीन लेकर आए थे, मंडी के व्यापारियों ने सोयाबीन की बोली 5,000 से शुरू की है। आखिरी में किसान का सोयाबीन 7,001.25 रुपये में व्यापारी ने खरीदा है। वहीं गेहूँ शुभ मुहूर्त में 2,051 रुपये में बिका हुआ है। किसान का व्यापारी साफा और पुष्पमाला पहनाकर स्वागत भी किया गया है। मंडी दीपावली के बाद मुहूर्त में आज 18/11/2020 को खुली है, जिसका समय था 10:58 और मुहूर्त की गाड़ी सोयाबीन 7,001.25 रुपये श्री नारायण में बिकी गई है। क्या महत्व रहता भैया मुहूर्त का? महत्व ये रहता है की मुहूर्त का माल किसानी माल रहता है, किसान का इसलिए लिया जाता है कि किसान को कभी भी व्यापारियों की तरफ से मंडी का नाम फुल फाल मिला जाए, ना ही किसान का माल कम भाव बिका जाए, इसलिए मुहूर्त की गाड़ी हर भाव से ऊंची बिकी जाती है देवास मंडी में। आपका नाम है? मेरा नाम है लक्ष्मी अग्रवाल। धर्म का नाम है श्री नारायण टडस देवास। मंडी का मुहूर्त बहुत अच्छा हुआ है और सभी प्रदेश में सबसे ऊंचे भाव देवास में भी किए 7,125 रुपये में, और 3,601 रुपये में गेहूँ बिका है। और मंडी का मुहूर्त बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छी मंगलदायक तरीके से हुआ है, और आज तक का जैसा मुहूर्त हुआ है मेरी जिंदगी में मैंने पहली बार देखा है, कितनी शांतिपूर्ण तरीके से और इतना अच्छा मुहूर्त हुआ है। 7,125 रुपये श्री नारायण में बिका है। अच्छा, मुहूर्त से पहले क्या यहाँ पे करा गया और क्या? मुहूर्त से पहले भगवान की पूजा होती है, मां अन्नपूर्णा मैया की पूजा होती है, हनुमान जी की पूजा होती है। आज मंडी का मुहूर्त था, दीपावली के बाद में 10:58 का मुहूर्त रखा गया था। मुहूर्त में पहली गाड़ी बिकी जाती है, हर साल अनुसार इस साल भी बिकी गई है, जिसका भाव 7,125 रुपये श्री नारायण में बिका गया। पहली बोली कितने की लगी थी? पहली बोली 5,001 रुपये से स्टार्ट हुई थी, 7,125 रुपये में श्री नारायण में बिका हुआ। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।